वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो है गरबा ट्यूटोरियल। मुझे पता है गरबा सबको बहुत पसंद है और नवरात्रि सबका फेवरेट फेस्टिवल है, बट यस, इस बार नवरात्रि नहीं हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट, वो एनर्जी, वो फ्रेंड्स के साथ टाइम पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एक चीज फॉर श्योर है, कोरोना हमें गरबा करने से नहीं रोक सकता। सही कहा ना? तो आज मैं आई हूँ एक गरबा रूटीन के साथ, ठीक है, जिसको आप लोगों को सीखना है। एक बहुत छोटा सा रूटीन है जिसको आप लोगों को सीख के अपना रील वीडियो बनाना है। रील एक इंस्टाग्राम का न्यू फीचर है और बहुत ही ट्रेंडी फीचर है, ठीक है। इसमें आप 15 या 30 सेकंड्स का वीडियो बना सकते हैं। तो आप इस रूटीन को सीखिए, अपना वीडियो बनाइए और इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए और हमें टैग कीजिए। सो दिस इज बेसिकली अ रील चैलेंज, देखते हैं सबसे अच्छा कौन कर पाता है। तो चलो, आप सब लोग रेडी हैं? और आज तो मेरे पास लाइव स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं यहीं पे सिखाने वाली हूँ, ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरीज हो, मतलब जिन लोगों को अगर रील बनाने में प्रॉब्लम हो या जिनको कुछ पता नहीं हो, वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मतलब मैसेजेस एंड ऑल, ठीक है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, तो रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। मैं जब भी कोई ट्यूटोरियल पोस्ट करती हूँ और आप लोग जब सीख के अपना वीडियो बनाते हैं और मुझे भेजते हैं ना, तो आपके स्टेप्स मतलब उल्टे रहते हैं। जैसे जब आप वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, तो ये मेरा राइट है, बट आपका राइट मेरे ऑपोजिट साइड है, क्योंकि आप मेरे सामने हैं। तो दिस इज माय राइट और आपका राइट ये है, ठीक है। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइए, जब मैं राइट बोल रही हूँ तो आप अपने राइट साइड से ही स्टेप्स कीजिए, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे मेन चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जिस सॉन्ग पे आज हम लोग आपको बताने वाले हैं स्टेप्स, वो आप सबका फेवरेट सॉन्ग है, मतलब हम सबका तो फेवरेट है, और वो सॉन्ग है बाय बाय। आई होप आप सबको बहुत मजा आएगा ये रूटीन सीख के। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इस रूटीन में स्टार्ट होता है टर्न से। हमको एक टर्न लेना है, हैंड्स को यूं रखना है, टर्न एंड क्लैप क्लैप, गॉट इट? ठीक है, अभी हमको टर्न करना है लेफ्ट साइड। पहले हमको अपने लेफ्ट साइड टर्न करना है, दिस इज टर्न एंड क्लैप क्लैप। अब यहां से हमको राइट साइड टर्न करना है, टर्न एंड क्लैप क्लैप, समझ आया? तो स्टार्ट होगा ये बाय 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 बाय। ओके, चलो 5 6 7 टर्न, 1 2 5 6। ओके, अब हम लोग यहाँ पे हैं। अब हमको अपने राइट लेग को आगे की तरफ लेना है, दिस इज राइट, समझ आया? राइट को पीछे करके हमको लेफ्ट, दिस इज राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और हैंड्स यू रहेंगे, यू वन थ्रो करने हैं, थ्रो। अब जैसे देखो, इसके हैंड्स मतलब यू नहीं रखने हैं, हमको यहां नहीं लेना है हैंड को। एक हैंड है ना हमारे फेस के आगे रहेगा, एक हैंड हमारे फेस के पीछे रहेगा, तो ये पूरा यू रहेगा, देखिए। मतलब आपको यू नहीं रखना है, साइड में नहीं रखना है हैंड, पीछे एक हैंड, पीछे एक हैंड आगे, समझ आया? और पैर 1 2 और हैंड्स होंगे 1 2 3 4, क्लियर? चलो 5 6 7 गो, 1 2 3 4। अब ये स्टेप हमको दो ही बार करना है, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। चलो 5 6 7 गो, 1 2, यहाँ पे स्टॉप हुए। अब हमको राइट लेग को आगे लेना है 3, देन राइट को ही पीछे 4, राइट आगे लिया, अब राइट को ही पीछे लेना है 4, और हैंड्स होंगे 1, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर। फिर जब हम लोग पीछे लेंगे पैर को 2, राइट हैंड ऊपर आ जाएगा, समझ आ रहा है? ये था 1 2, got it? ये हमने किया दो बार, 1 2 and 3 and 4। अब है ना, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जब आप लोग इसमें ये राइट ले रहे हैं, ये लेफ्ट ले रहे हैं, फिर सब लोग राइट लेते हैं और लेफ्ट लेते हैं, आपको फिर लेफ्ट लेग नहीं लेना है। थ्री में राइट ही आगे,
फोर में राइट ही पीछे, क्लियर है ना? चलो एक बार कर लेते हैं स्टार्टिंग से, टर्न से। चलो 5 6 7 गो। बाय 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 बाय, बल्ला मोरी रामा, बल्ला तारी रामा। क्लियर? राइट कोई आगे लेना है, राइट कोई पीछे लेना है। फिर से एक बार करते हैं, चलो 5 6 5 6 7 गो। बाय 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 बाय, बल्ला मोरी रामा, बल्ला तारी रामा। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप हुए हैं, हमारा राइट लेग पीछे है, अब हमको राइट लेग को बाहर निकालना है, आउट। ठीक है, और एक क्लैप करना है, क्लैप हमको यू थोड़ा ऊपर लेना है। हम लोग यहाँ थे, कैसे? 1 and shuffle change and 2, क्लियर? राइट आउट क्लैप, लेफ्ट आउट क्लैप। यहां से करते हैं 5 6 7 गो। 1 2 and clap क्लैप। गॉट इट? ठीक है। बल्ला मोरी रामा, बल्ला तारी रामा, बल्ला मोरी रामा। यहां पे हम लोग रुके, फिर हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट लेग और राइट हैंड को आगे हिट, ऊपर की तरफ हिट करना है। क्लियर है ना? देखो ये हिट और यहीं से पीछे हिट, ये हैंड ऊपर रहेगा और ऐसे खुला नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसे थोड़ा सा फोल्ड रहेगा ये हैंड, और एकदम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, इस लेवल पे रहेगा। क्लियर है? इस लेवल पे रखना है उसको, एक आगे हिट एक पीछे हिट। Got it? तो हम लोगों ने क्लैप से किया, 5 6 7 गो। क्लैप क्लैप फ्रंट बैक। ओके, तो एक बार है ना यहाँ पे हम लोग सर्कल से पूरा एक बार देख लेते हैं। चलो 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 फ्रंट बैक एंड क्लैप क्लैप। 1 2 Got it. अभी हम लोग पीछे रुके हुए हैं, पीछे। ठीक है, अभी यहां से हमको सीधा होना है और हमको वन टच वन करना है। वन टच वन मतलब डोडियो। ठीक है, डोडियो करना है पीछे की तरफ, देख लीजिएगा एक बार, ये वाले पैर से राइट से हमको पीछे वन पीछे जाना है। समझ आया? हम लोग लास्ट यू थे और राइट से पीछे वन और टू में सीधा सीधा। हम यूं थे, पीछे जाना है, वन एंड स्ट्रेट। देखिए यहां पे आ गई मैं, और फिर यहीं से हाँ ऐसे, और यहां से एक क्लैप एंड अप, अप में स्ट्रेट स्ट्रेट, वो मैं बताती हूँ एक सेकेंड, हाथ स्ट्रेट। ठीक है, देखो हम लोग लास्ट यहां पे स्टॉप थे। अभी जब हम लोग वन टच वन कर रहे हैं ना, तो हाथ आप लोग ये भी ले सकते हैं। देखिए सिंपल, दिस इज वन दिस इज टू। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप थे ऐसे, दिस इज वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर। बट अगर आप लोग थोड़े एडवांस लेवल के गरबा प्लेयर्स हैं, अगर आप लोग हैंड्स यूज करना जानते हैं, तो आप उसको राउंड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक बार, ये नहीं करके आप राउंड ले सकते हैं, राउंड राउंड एंड क्लैप एंड अप। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप हैंड्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राउंड भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्लैप से, 5 6 7 गो। क्लैप क्लैप, 1 2 एंड बैक बैक, 1 एंड स्टॉप। नाइस, क्लियर है ना यहाँ तक? तो अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हमारा राइट लेग आगे है। अब राइट लेग से और राइट हैंड से एक पीछे की तरफ वन, समझ आया? दिस इज वन एंड टू। दो स्टेप्स लेने हैं, हमारा राइट लेग आगे था, 5 6 7 गो। राइट लेफ्ट। ओके, हम लोग यहां पे पहुंचे, अब राइट लेग को हमको टूवर्ड्स लेफ्ट लेना है, 1 2 पीछे से, समझ आया? फिर से एक बार कर लेते हैं,
हम लोगों ने कहां पे किया था? हम लोग यहाँ पे स्टॉप थे, राइट पीछे, राइट लेफ्ट एंड वन एंड टू। अब हल्का हल्का हमको इसमें जंप ऐड करना है, जैसे कि वन टू एंड थ्री एंड फोर। जब हम थ्री फोर कर रहे हैं ना हमको वो जंप के साथ करना है, थ्री एंड फोर। गॉट इट? चलो फाइव सिक्स यहां से करते हैं, फाइव सिक्स सेवन बैक, वन टू एंड थ्री एंड फोर। और जब आप थ्री फोर कर रहे हैं ना, तो आपको हैंड यूज करने हैं थ्रो और यहीं से ऊपर, थ्रो एंड ऊपर ऊपर। हाँ, अब देखिए कैसे होगा, ये थ्रो एंड ऊपर, समझ आया? यहां से करेंगे फाइव सिक्स सेवन गो, बैक बैक एंड थ्रो एंड अप। और जैसे हैंड्स आपके नीचे थे, ठीक है, उसको थोड़ा ऊपर रख के पूरा थ्रो करना है और फिर यूं करना है। क्लियर? अभी हम लोग एक बार क्लैप से कर ले, ये वाली क्लैप से। चलो फाइव सिक्स सेवन गो, क्लैप क्लैप, वन टू एंड बैक बैक, क्लैप गो पीछे, वन टू एंड थ्रो एंड स्टॉप। नाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप हुए, बस अभी लास्ट पार्ट आएगा। अभी हमको पैरों को जॉइन एंड ओपन, क्लियर? फिर से जॉइन एंड ओपन, समझ आया? हम लोग लास्ट पोजिशन जंप किया, फिर हमको जॉइन एंड ओपन, जॉइन एंड ओपन। अब जब हम लोग जॉइन कर रहे हैं ना, तो हाथ क्रॉस एंड ओपन, क्रॉस एंड ओपन। चलो फाइव सिक्स सेवन गो, क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन। नाइस। अब बीट आएगा बाय बाय, दो ताली का बीट आएगा, ठीक है? उसमें हमको क्या करना है, वन टू, चलो फाइव सिक्स सेवन गो, क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट फिनिश हो रहा है। तो चलो अभी जितना भी हम लोगों ने सीखा है रूटीन, उसको हम लोग एक बार पूरा स्टार्टिंग से एंड तक करके देख लेते हैं विदाउट म्यूजिक, ठीक है? तो टर्न से हम लोग लेते हैं, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री बैक, वन टू एंड थ्री एंड फोर पीछे, फाइव सिक्स एंड थ्रो गो, वन टू थ्री फोर। ओके, तो चलो अब एक बार इसको म्यूजिक के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों को ये रूटीन सीख के मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आप सबको मजा आया? ओके, तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी मजा आएगा। पक्का इस चीज को ट्राई कीजिए, सीखिए इसको, क्योंकि ये इतना छोटा सा है। अपना रील वीडियो बनाइए और मुझे टैग कीजिए, मेरा इंस्टा हैंडल है ये, ठीक है? देखते हैं कि सबसे अच्छा रील कौन बना पाता है। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, लव यू ऑल, बाय।